इस प्रयोग से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एक जर आप लोगों को चाहिए, उस जर को अभिमंत्रित करके अगर मिट्टी में उसको दबा देते हैं, जिसके नाम से ये कर्म किया जाएगा, वो तीव्र से तीव्र आकर्षण महसूस करेगा। आपसे अगर लड़ाई चल रहा है, अशांति चल रहा है, बात बंद है, वो आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इतना शक्तिशाली ये एक वशीकरण टोटका उपाय आज तंत्र गुरु चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। विषय तीव्र आकर्षण एवं वशीकरण का एक जड़ी बूटी से प्रयोग। पहली बार ये प्रयोग मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा दूसरा जो चैनल है टचेस ऑफ नेचर, उस चैनल का लिंक वीडियो के नीचे है, आप लोग जाइए उस चैनल को भी फॉलो कीजिए। उसमें भी आप लोगों को जेन्युइन तांत्रिक प्रयोग पद्धति देखने के लिए मिलेगा। ये प्रयोग करने के लिए विशेष कोई दिन नहीं, के लिए चाहिए नक्षत्र। जब उस नक्षत्र आप लोगों को दिखेगा तभी ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर साधारण सा प्रयोग जो जड़ का बारे में बताऊंगा, हर जगह में हर स्टेट में अवेलेबल है जड़। जैसे मैं अपांग का अपमार्ग का प्रयोग बताया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी अपमार्ग का एक तिलक वशीकरण प्रयोग लेके आ रहा हूँ। अद्भुत प्रयोग है, पहली बार वो पद्धति सुनेंगे। ये पद्धति आप लोगों को मैं इसी हफ्ते डाल दूंगा, आप लोग देखिए उसको अप्लाई कीजिए। इनके साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर वीडियो देखिए, डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है। वीडियो को पूरा एक बार देखिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ जाएगा। मेरा निवास स्थान और मंदिर दोनों ही कलकत्ता में, वर्तमान समय में मिलना है तो तारापीठ महाशमशान में ही आप लोग आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मैं वीडियो के अंदर संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद भी लोग आकर पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैं बता देता हूँ बार बार। लोकेशन भी वहाँ पर रहता है, अनुष्ठान भी करने के लिए जाता हूँ। थोड़ा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, व्हाट्सअप पर बार बार मना करता हूँ, लिख कर देता हूँ, उसके बाद भी व्हाट्सअप पर आकर कॉल करते, कॉल करने के लिए मेरा नंबर है, जब बंद रहेगा काम कर रहा हूँ। सीधा बात है, आप लोग अगर चाहते हैं ये एजेंसी बनाऊँ तो अभी अब मैं क्या बताऊँ, एजेंसी होगा तो 24 घंटा मेरा सेट खुला रहेगा या मेरा नंबर ओपन रहेगा। अकेला इंसान हूँ, काम करता हूँ जब फ़ोन बंद रहता है, जब मुझे फुर्सत मिलता है फ़ोन ऑन कर लेता, इसलिए हड़बड़ी आप लोगों का है तो आप लोग के पास कई ऑप्शन है, कई दरवाज़ा है, आप लोग जा सकते हैं। आगे आप लोगों की इच्छा। अभी ये जो मैं आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आया हूँ, मिगो शिरा नक्षत्र आप लोगों को पंचांग में देखने के लिए मिल जाएगा। गूगल पर सर्च करेंगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। ये नक्षत्र हर महीना में आप लोगों को मिलेगा। इस नक्षत्र में आप लोगों को रक्त करवी पेड़ का फोटो दे रहा हो, देख लीजिए। हाइवे में झाड़ियों में ये पेड़ मिलता है, फूल होता है, छोटा छोटा लाल कलर में फूल होता है, तीन कलर में फूल होता है, एक लाल कलर में होता है, एक डार्क लाल में होता है, उसमें थोड़ा सा काला डार्क लाल और काला का मिश्रण में होता है, थोड़ा वायलेट कलर में आता है, और एक गुलाबी कलर में फूल होता है, एक सफ़ेद कलर में फूल होता है। ये तीन कलर में ये पौधा अवेलेबल है मैं जानता हूँ। तो आप लोगों को चाहिए रक्त कौरवी, यानी कि लाल, रक्त यानी कि लाल खून के जैसा, कौरवी फूल का जिसका कलर, रक्त कौरवी का फूल आप लोगों को चाहिए, रक्त कौरवी का जड़ आप लोगों को चाहिए। पहले सेम सिस्टम रहेगा, मिगोशिरा नक्षत्र मान लीजिए कल है, आप लोग देख लिए, तो पहले दिन आप लोग जाइए पेड़ के सामने जाकर पेड़ को पीला चावल और हल्दी मिला हुआ पीला चावल लेके जाइए, आप पेड़ के ऊपर छोड़कर प्रार्थना कीजिए, अमुक मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं आपका जल लेके जाऊंगा, आप मेरा अमुक मनोकामना पूर्ण करें। नेक्स्ट दिन फिर से सुबह के टाइम में आप लोग जाइए और जर उठा कर लेके आइए। जर कितना बड़ा होना चाहिए, 8 उंगली जर होना चाहिए। 8 उंगली माने ये चार उंगली और फिर 1 उंगली, यानी कि ये 8 उंगली का बराबर हुआ, 8 उंगली यानी कि 1 विद्या, इतना बड़ा ये जर होना चाहिए। 8 उंगली का आप लोगों को जर लेके आना है, ये जड़ आप लोगों को अभिमंत्रित करना है। पहले जो मंत्र मैं आप लोगों के लिए डाला विवरण बॉक्स पर, उस मंत्र का आप लोग उसी दिन बैठकर 1008 बार अभिमंत्रित कर ले। 1008 बार अभिमंत्रित करने के बाद अभी फिर से उस जड़ को उठाइए, जड़ को अपने हाथ में रखिए, अभी उस जड़ में अभिमंत्रित करना है।
अभी जड़ को जब अभिमंत्रित करेंगे, एक भोज पत्र में जो मंत्र को आप लोग लिखे, जो मंत्र का अनुष्ठान आप किए, उस भोज पत्र में स्केच पेन से उस मंत्र को लिखिए, नीचे अपने पार्टनर का नाम लिखिए, या ऐसा भी कर सकते हैं उस जड़ के ऊपर डायरेक्ट आप लोग स्केच पेन से नाम लिख सकते हैं, या केसर के काली से, अनार के कलम से, चमेली के कलम से डायरेक्ट उस जड़ के ऊपर भी आप लोग नाम लिख सकते हैं, जैसा आप लोगों का सुविधा है। भोजपत्र में सुविधा है तो भोजपत्र की में किए कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन भोजपत्र में अगर लिखते हैं तो भोजपत्र को उसमें पेड़ के जो जड़ है, जड़ में ऐसे रखिए, लेकिन उसको लाल धागे से अच्छी तरह से बांध दीजिए। बांधने के बाद फिर से 108 बार उस जड़ को अभिमंत्रित कीजिए। जड़ को अभिमंत्रित करने के बाद अच्छी तरह से जड़ को उठा कर लेके जाइए, अभिमंत्रित जड़ को अपने ही जमीन पर, कोई समस्या अपना जमीन है, अपना जमीन नहीं तो कोई किसी कोई भी खाली जमीन जब को आप लोगों को जहाँ पे दिखता है, मिलता है, उस जगह पर आप लोग थोड़ा सा गड्ढा कीजिए। कम से कम इतना बड़ा गड्ढा होना चाहिए, एक हाथ आप लोगों को गड्ढा होना चाहिए, एक हाथ गड्ढा कीजिए, जड़ को अपने हाथ से बिठा कर मिट्टी को दबा दीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, आप लोगों का प्रभु मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। इतना शक्तिशाली असरदायी ये प्रयोग आप लोगों को बताया। इस प्रयोग में एक विशेष पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली बार ये प्रयोग में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर नहीं करते, ये पाठ अगर नहीं करते, तो प्रयोग का कोई फल, कोई माने प्रयोग का सुफल आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्या है, इतना दूर तक वीडियो को देख लिए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए, इसलिए आनंद लगेगा। कमेंट करके वीडियो के संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने से, लाइक करने से मनोबल वृद्धि होता है, मुझे पता लगता है मेरे इस कंटेंट को, आज का ये कंटेंट को कितने लोग पसंद किया, कितने लोगों के पास में ये कॉन्टेंट को पहुँचा पाया, यही और कुछ नहीं। तो ये जो प्रयोग जब मिट्टी में आप लोग दबा रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ से मिट्टी में बिठाए, पैर से नहीं, अपने हाथ से जब मिट्टी में इसको बिठा रहे हैं, थोड़ा सा 15 रुपये का एक शहद का अच्छा क्वालिटी का 15-20 रुपये का सीसी लेके जाइए, जड़ को ऐसे सीधा बिठाइए, जैसे को लेटा मत दीजिए, जड़ को ऐसे सीधा बिठाइए, जड़ के ऊपर से उस शहद को डाल दीजिए, मिट्टी दबा दीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा मनोकामना पूर्ण करे। बस इससे ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जो व्यक्ति चला गया, रिश्ता तोड़ दिया है, रिश्ता नष्ट कर दिया, वो व्यक्ति आपके सामने आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इतना सुंदर ये जड़ी बूटी का रक्त करवी का ये एक प्रयोग बताया। ये प्रयोग को अप्लाई कीजिए, मात्र एक दिन का प्रयोग है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, ज़्यादा झमेला भी नहीं है, और बहुत शांतिपूर्ण रूप से ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। आपके घर में ज़मीन है तो आप लोग कर सकते हैं, और ज़मीन नहीं है तो बाहर, ये गमले में होगा नहीं, गमले में इतना बड़ा गमला करने के लिए बहुत बड़ा गमला आप लोगों को चाहिए। जड़ सीधा ही बैठेगा, ऐसे ही बैठा, जड़ को ऐसे लेटा मत दीजिए, जड़ को मिट्टी में ऐसे सीधा ही आप लोगों को दबाना है, और जड़ ऐसे सीधा ही रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मैं समझा पाया। बाई चांस कोई पॉइंट मेरे से छूटा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइए, मैं आप लोगों का प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगर वैलिड प्रश्न रहा तो उत्तर आप लोगों को जरूर मिलेगा। कंटेंट को ही भी विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नया अनोखा जेनुइन तांत्रिक प्रयोग पद्धति लेकर। हरिओम दशरथ।